प्रेम नाम है मेरा, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। शराफत और ईमानदारी का सर्टिफिकेट ये दुनिया सिर्फ उन्हें देती है जिनके पास दौलत होती है। ये सुपरहिट डायलॉग जब भी सुनते हैं तो सिर्फ एक ही तस्वीर सामने आती है और वो है प्रेम चोपड़ा की। प्रेम चोपड़ा ने सिनेमा जगत में विलन का किरदार निभाकर कामयाबी की उन बुलंदियों को छुआ जहां पहुंचने का सपना हर अभिनेता का होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपने दौर के सबसे मशहूर विलन रहे प्रेम चोपड़ा आज कहाँ हैं, क्या करते हैं और अब कैसे नजर आते हैं? आज इनकी ऐसी हालत हो चुकी है कि इन्हें एक नज़र में पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको अभिनेता के आज से रूबरू करवाने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में एंड तक। प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ था। यह वह वक्त था जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। बंटवारे के बाद प्रेम चोपड़ा का परिवार शिमला शिफ्ट हो गया। शिमला में प्रेम चोपड़ा ने अपना बचपन गुजारा। इसके बाद प्रेम चोपड़ा ने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। कॉलेज के दिनों में अभिनेता ने ड्रामा में भाग लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अभिनय को ही अपना करियर चुना। प्रेम चोपड़ा ने फिल्मी सफ़र की शुरुआत हिंदी फिल्म मुड़ मुड़ के ना देख से की थी। यह फिल्म 1960 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई, जिसके बाद प्रेम चोपड़ा ने पंजाबी फिल्मों की ओर रुख किया। पंजाबी फिल्म का नाम चौधरी कर्नल सिंह था। यह फिल्म हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी पर आधारित थी। फिल्म हिट हुई और प्रेम चोपड़ा को इसके लिए 2500 रुपये भी फीस मिली थी। इसके बाद प्रेम चोपड़ा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पंजाबी इंडस्ट्री में उन्होंने काफ़ी पहचान बनाई और अभिनेता को बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी ज़बरदस्त पहचान हासिल हुई, जिसके बाद अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने हम हिंदुस्तानी, वो कौन थी, शहीद, मेरा साया, प्रेम पुजारी, पूरब और पश्चिम जैसी कई हिट फिल्में दी। वहीं बात करें अभिनेता की आज की, तो आज अभिनेता अपनी ज़िंदगी के 87 साल पूरे कर चुके हैं। अभिनेता ने आज भी अपने करियर को सक्रिय रखा हुआ है और आखिरी बार साल 2021 में आई फिल्म बंटी और बबली 2 में नज़र आए थे। प्रेम चोपड़ा अपनी फैमिली के साथ बुढ़ापे के दिनों को बिता रहे हैं। अभिनेता को हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद अब उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और उनके फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे। तो आपको सबसे मशहूर खलनायक प्रेम चोपड़ा के बुढ़ापे के हालातों के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।